हाँ जी, तो कैसे हैं सारे? तो हम सब ने यहाँ पर अपने चैनल पर हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात किया है कि ये करने से ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, ये करने से ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। बट टुडे आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों की वजह से आप इंजीनियरिंग को हेट कर सकते हो। आपको इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी बट आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर देंगी इंजीनियरिंग को हेट करने से। फर्स्ट रीज़न जो आपको सबसे ज़्यादा हेट करने के लिए मजबूर कर सकता है वो है द लैक ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्ट्रीम से हो, जो इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, उसकी बुक्स ही नहीं मिलती हैं आपको आपकी लाइब्रेरीज में, एंड वो बुक्स की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि आप बाहर से अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। एंड देन आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि उसकी PDF कहीं से डाउनलोड करना एंड उसके थ्रू पढ़ना। एंड सच में ये चीज़ कभी कभी आपके उस पूरे इंटरेस्ट को, सब्जेक्ट के पूरे इंटरेस्ट को किल कर देती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपकी लाइब्रेरीज में बुक्स नहीं है या आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छी लाइब्रेरीज नहीं है, देन आप अपने स्ट्रीम से भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो ट्रुथ कहीं भी नहीं छुपा हुआ, ये सच तो हर किसी को पता हुआ है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली अगर हम बात करें इंजीनियरिंग लाइंस की, तो वहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उतना इनकरेजिंग नहीं होते हैं। मैक्स ऑफ द प्रोफेसर सीधे आएंगे, अपने नोट शेयर करेंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे, बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा। एंड कुछ जो प्रोफेसर्स होंगे वो ज़्यादातर जो अगर बात करेंगे और कहानियाँ सुनाएंगे तो वो अपनी रिसर्च और अपनी अचीवमेंट्स की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। एंड सारी बात यही है कि जब तक आप खुद कुछ अपनी मेहनत से अचीव नहीं कर लेते हो, कोई भी प्रोफेसर्स अपना नाम आपके नाम से नहीं जोड़ना चाहेगा या आपको इनकरेज नहीं करना चाहेगा। अनटिल और अनलेस अगर आपने खुद से कुछ अपना अच्छा काम कर लिया, खुद से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एवरी प्रोफेसर विल ट्राई टू इनकरेज यू एंड इन्वॉल्व विद यू, बट उससे पहले कोई भी प्रोफेसर कभी इनकरेज नहीं करेगा। एंड दिस पॉइंट माइट बी नॉट द रीज़न ओनली कि आप इंजीनियरिंग को हेट करो, बल्कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सब जगह पर बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। एंड लिटरली इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द लैक ऑफ एकेडमिक काउंसलर्स। इंडिया में एकेडमिक काउंसलर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, मतलब कोई भी ऐसी परफेक्ट अथॉरिटी है ही नहीं जहाँ पर बच्चा जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि हाँ मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहा हूँ, हाउ शुड आई ऑर्गेनाइज माई थिंग्स। या फिर अगर आप लाइफ में कुछ नया करना चाह रहा है बच्चा, मतलब मान लीजिए पहली बार वो अपना रिज्यूमे लिख रहा है, एंड नो वन नोज हाउ टू राइट रिज्यूमे एट दैट पॉइंट, तो उसको कोई गाइडेंस देने के लिए, वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है या पहली बार अपनी इंटर्नशिप लगाने जा रहा है, उन सारी चीज़ों के साथ आपको एक बार इंट्रोडक्शन कराने के लिए कोई भी एक काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर नहीं रहता है यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पर फिर आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन होता है हिट एंड ट्रायल का, और वो करते करते या तो आपको 5 से 6 बार में सक्सेस मिल जाती है और आप अच्छी सी चीज़ सीख जाते हो, एंड सम टाइम कुछ बच्चे उसी प्रोसेस में टूट जाते हैं एंड दे स्टार्ट हेटिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। फर्स्ट पॉइंट जो आप हर कोई एग्री करोगे मेरे साथ कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक बच्चे के अंदर हेट भर देती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, और वो है द सिमिलैरिटी अमंगस्ट ऑल द असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो इंजीनियरिंग का, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें मैथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। एंड सीरियसली, जिस बंदे को अगर मैथ नहीं पसंद होगी, वो कभी ना कभी तो वहाँ पर ब्रेक डाउन हो ही जाएगा कि यार कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मैथ क्यों आ रही है, एंड मैथ हर जगह पर क्यों है। एंड इवन जिस बंदे को मैथ पसंद भी है ना, वो भी कभी ना कभी एक पॉइंट पर जाके फेड अप हो जाता है कि भाई कुछ तो डिफरेंट होना यार, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कम से कम मैथ तो कहीं तो हटे। बट नो, मैथ विल बी एवरीवेयर इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सोसाइटी। यस, दीज वर द 4 पॉइंट्स जो आपके अंदर इंजीनियरिंग को लेकर हेट प्रोड्यूस कर सकते हैं या आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में जो है उसको कम कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ये 4 पॉइंट हैं, देन देयर विल बी 96 अदर पॉइंट्स जो आपको इंजीनियरिंग के साथ प्यार और मोहब्बत में डाल सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, एक फेज में आते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। बट अगर आप मेरे साथ डिसएग्री हो या एग्री कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो वहाँ पर आप जाकर लिख दो कि वाई यू लव इंजीनियरिंग और वाई यू स्टार्टेड हेटिंग इंजीनियरिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब को देना, बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक ख्याल रखो सब लोग अपना। लव फ्रॉम आयुष, लड़का फ्रॉम लखनऊ, बाय।